हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट विल बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन इज द 25th चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स नेम इज एसेज. ओके, ऑल ऑफ यू नो, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट एसेज, हाउ टू राइट एन एसे. ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल. ओके, अ टॉपिक इज गिवन एंड वी हैव टू राइट एन एसे इन द पैराग्राफ फॉर्म और वी कैन राइट इट इन द टेन इन द पॉइंट फॉर्म ऑल्सो. वी कैन राइट इट इन द 10 पॉइंट्स ऑल्सो. Okay, so you have to write the essay. You will have to, the two topics will be given to you in the exam. The first one will be newspaper and the other topic is save water. Okay, you can see in the syllabus, annual syllabus, आपको एक उसमें टू टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक तो न्यूज़ पेपर है, दूसरा है सेव वाटर. इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऐसे लिखना रहेगा एग्जाम में और आपको उसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, 10 लाइन्स रहेंगी उसमें खिंची हुई एंड यू हैव टू राइट द ऐसे विद इन 10 लाइन्स एंड इन द पैराग्राफ फॉर्म. ओके, सो जैसे इसमें दिया हुआ है ना पैराग्राफ के फॉर्म में, इन इस वे में आपको उसमें ऐसे लिखना रहेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले न्यूज़पेपर ऐसे के बारे में पढ़ेंगे. Nowadays the newspaper is a necessity of the life. आजकल के दिनों में newspaper is a necessity means आवश्यकता है life की, जीवन की आवश्यकता है newspaper, है ना. हर किसी को newspaper चाहिए होता है पढ़ने के लिए, because all kinds of news we get in the newspaper. We can't get the news by ourselves. हमको खुद से न्यूज़ नहीं मिल सकती. newspapers provide us different types of news. ठीक है, तो हमको एक वे से, हमको एक सोर्स से we can get different types of news. एक वे से हमको कई तरह की न्यूज़ पढ़ने को मिल जाती है. न्यूज़पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑलमोस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस. न्यूज़पेपर अवेलेबल है मार्केट में ऑलमोस्ट मींस प्राय सभी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर मार्केट में अवेलेबल है. अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़ विच गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्लाइंट्स एट देयर होम. अ न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन ऑफ द न्यूज़. न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़ का छपना है पेपर में. ओके, विच गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेपर, जो कि एक पेपर पे प्रिंट होती है न्यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द क्लाइंट्स एट देयर होम, और उसके बाद क्लाइंट्स को उनके घर पे न्यूज़पेपर बांट दिया जाता है. ओके, डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन न्यूज़ पब्लिकेशन एजेंसीज. अलग अलग कंट्रीज की उनकी अपनी पब्लिकेशन एजेंसीज होती हैं. जैसे हमारी कंट्री में कौन कौन सी, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, आपके आता होगा ये सब, है ना. इस तरह से पत्रिका, कई सारी पब्लिकेशन एजेंसीज हैं जो कि न्यूज़पेपर को छापती हैं और उसके बाद वो न्यूज़पेपर हमारे घर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, न्यूज़पेपर गिव्स अस ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री एज वेल एज द होल वर्ल्ड. न्यूज़पेपर हमें देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सूचनाएं, सारी जानकारियां देते हैं अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ओन कंट्री, हमारे अपने देश में क्या हो रहा है, एज वेल एज द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार ही, पूरे संसार में क्या हो रहा है वो भी न्यूज़ हमको न्यूज़पेपर से मिल जाती है, है ना. ऐसा मिलता है ना, आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, तो हमको दूसरे देशों की भी न्यूज़ न्यूज़पेपर से पढ़ने को मिलती है. तो न्यूज़पेपर कितना हेल्पफुल है हमारी लाइफ के लिए, है ना. वी गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमी, फिल्म इंडस्ट्रीज, मूवीज, फूड, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. वी गेट द एग्जैक्ट न्यूज इन्फॉर्मेशन. हमको एग्जैक्ट वैसी ही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हो रही है वर्ल्ड में, जो कि जो न्यूज़ हुई है वही, मतलब उसमें कोई चेंज हो गया ऐसे नहीं मिलता. हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है किन टॉपिक से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, इकोनॉमी मीन्स अर्थशास्त्र से रिलेटेड, जैसे शेयर्स की न्यूज़ होती है उसमें पेपर में. ठीक है, एंड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, मूवीज से रिलेटेड न्यूज़, फूड से रिलेटेड न्यूज़, और एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है. और इनके अलावा भी कई सारी तरह की न्यूज़ हमको मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू. ठीक है, अर्लियर न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड विद ओनली न्यूज़ डिटेल्स. पहले न्यूज़पेपर छपते थे, सिर्फ न्यूज़ आती थी उनमें. ठीक है, हाउएवर करेंटली इट कंटेन्स न्यूज़ एंड व्यूज़ अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लेकिन आज के टाइम में पे न्यूज़ भी है और लोगों के व्यूज़ भी हैं, मतलब किसी भी न्यूज़ को लेकर लोगों का क्या व्यू है वो भी हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, तो वो भी न्यूज़पेपर में अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट, न्यूज़पेपर्स सर्व मोर देन वन पर्पस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. सबसे पहले तो एक बार और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक जो होता है ना न्यूज़ में, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलम होता है जहाँ पर भी लोगों के व्यूज़ होते हैं कि कोई भी पर्सन कोई न्यूज़ के बारे में क्या सोच रहा है. ठीक है, आप लोग कभी न्यूज़पेपर को देखिएगा तो उसमें व्यूज़
का भी एक पेज होता है जिसमें लोगों के व्यूज होते हैं कि लोग न्यूज के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो व्यूज भी आजकल हमको पेपर में देखने के लिए मिलता है। पहले सिर्फ न्यूज़पेपर में न्यूज हुआ करती थी, ठीक है। न्यूज़पेपर्स सर्व मोर देन वन पर्पस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। न्यूज़पेपर्स हमको सर्व मीन्स देते हैं मोर देन वन पर्पस, एक ही टाइप की न्यूज़ हमको नहीं मिलती है, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लोगों की रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग भी हमको उसमें न्यूज़ मिल जाती है कि अगर हम अपना कोई ऐड देना चाहते हैं उसमें या अपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ देना चाहते हैं तो वो न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आर वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स आर वेरी इफेक्टिव, एक बहुत प्रभावी और पावरफुल मीन्स बहुत ताकतवर सोर्स है टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन, हमको सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए एट वन प्लेस, जहाँ पर हम घर पर बैठकर हमको एक पेज न्यूज़पेपर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार से रिलेटेड हमको न्यूज़ न्यूज़पेपर के थ्रू मिल जाती है। इन कंपैरिजन टू द इन्फॉर्मेशन इट गिव्स इट कॉस्ट वेरी लेस। इन कंपैरिजन उसकी तुलना में जो इन्फॉर्मेशन वो न्यूज़पेपर हमें देता है उसकी तुलना में उसकी कीमत इट कॉस्ट वेरी लेस, उसकी कीमत बहुत कम होती है, ठीक है। इट कीप्स अस वेल इन्फॉर्म्ड, ये हमको काफ़ी अच्छी तरह से मतलब हमको वेल इन्फॉर्म्ड रखता है, मतलब हमको सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं, अच्छे से हम सभी न्यूज़ के बारे में जानते हैं। अबाउट ऑल द हैपनिंग्स इन अवर सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हमको अच्छे से सूचनाएं न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती रहती हैं, ठीक है। तो न्यूज़पेपर देखिए किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का जो एसे जो हमने पढ़ा है इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। टू टॉपिक्स रहेंगे, न्यूज़पेपर एंड सेव वाटर, जो कि सेव वाटर ऐसे भी हम पढ़ेंगे, एक तो न्यूज़पेपर है और दूसरा है सेव वाटर, कोई भी एक ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होगा, ओके। चलिए अब सेकंड ऐसे देखते हैं, सेव वाटर। सेव वाटर का मतलब क्या होता है, पानी को बचाना। आप सब लोग जानते होंगे कि पानी को सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए पानी कितना इम्पॉर्टेंट है। अर्थ का 3/4 पार्ट में पानी है और 1/4 पार्ट में लैंड है, ठीक है। बट जो पीने का पानी है वो बहुत कम एरिया में पीने का पानी है, उसका क्वांटिटी काफ़ी कम है। जितना मोस्ट ऑफ द वाटर है वो सॉल्टी वाटर है, समुद्र का पानी है जो कि हम पी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए कितने कम पोर्शन में पानी है, और अगर हम पानी को सेव नहीं करेंगे तो हमारे लिए इसकी स्कार्सिटी हो जाएगी। स्कार्सिटी होने से आप सोचिए पानी नहीं होगा तो कितनी चीज़ों पर इफेक्ट आएगा। प्यास लगने पर हमको सिर्फ पानी पीना होता है, ठीक है। तो पानी को सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस ऐसे को तो हम पढ़ेंगे बट अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप लोग भी पानी को सेव किया करिए, बिल्कुल भी वेस्ट मत किया करिए पानी को, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इस ऐसे को, वाटर इज द प्रेशियस गिफ्ट टू अवर लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम द गॉड। वाटर इज द प्रेशियस मीन्स कीमती हमारे लिए गिफ्ट है टू अवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए ऑन द अर्थ, अर्थ पर भगवान की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है वाटर, ओके। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर ऑन अर्थ वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइव्स। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कि अर्थ पर वाटर कितना परसेंट है, 3/4 पार्ट में वाटर है अर्थ पर, लेकिन ओनली सिर्फ थोड़ा सा पानी जो है उसमें से पीने के लायक है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है जिसको हम नहीं पी सकते। तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, तो अगर हम इसकी समझ सकते हैं कि अगर इतनी पानी की, मीठे पानी की अवेलेबिलिटी इतनी कम है अर्थ पर, तो हाउ शुड वी कंज्यूम, हाउ शुड वी यूज इट, ओके। वी मस्ट नॉट वेस्ट द वाटर एट ऑल, हमको कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग ऑन द अर्थ नीड वाटर लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। एवरीथिंग ऑन द अर्थ, हर चीज़ को जो कि अर्थ पर है उसको पानी चाहिए, जैसे ह्यूमन बींग्स आदमी, जानवर, ट्रीज, प्लांट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े और अदर लिविंग थिंग्स जो भी दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको पानी चाहिए, ओके। बैलेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ गोज थ्रू द प्रोसेस लाइक रेनिंग एंड इवेपोरेशन। अर्थ पर जो वाटर हो जो है उसका बैलेंस किसके वजह से होता है, थ्रू द प्रोसेस लाइक रेनिंग, एक तो बारिश की वजह से अर्थ पे पानी आता है, दूसरा इवेपोरेशन, समुद्र से पानी इवेपोरेट होता है, जो लार्ज एरियाज ऑफ वाटर हैं, बॉडीज ऑफ वाटर हैं उनसे पानी इवेपोरेट होता है, मतलब भाप से बन के पानी ऊपर उठता है एंड देन क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ऊपर, एंड देन क्लाउड जब ठंडे हो जाते हैं तो वो पानी के रेन के फॉर्म में नीचे बरसते हैं, ठीक है। 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर, हाउएवर अर्थ का जो 3/4 सरफेस है उस पर पानी है।
कंटेन्स वेरी लेस परसेंटेज ऑफ द क्लीन वाटर मीन्स फिट फॉर ह्यूमन यूज, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है क्लीन वाटर का जो कि आदमी के यूज के लिए है. इसलिए हमको वाटर को कैसे बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, सावधानी से उसको काफी सेव करना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही पानी का यूज करना चाहिए. ओके, सो द प्रॉब्लम इज विद द स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर विच मे एंड द लाइफ हेयर. तो प्रॉब्लम क्या है, विद द स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर, पानी तो बहुत सारा है लेकिन क्लीन वाटर की कमी है. ओके, विच मे एंड द लाइफ हेयर, जिसकी वजह से अगर वो पानी की कमी हो गई तो लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ पर, राइट. उसके बाद क्लीन वाटर इज वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट टू लाइफ. क्लीन वाटर एक बहुत एसेंशियल घटक है लाइफ का. सो वी नीड टू कंजर्व वाटर फॉर द फ्यूचर सेफ्टी. इसलिए हमको पानी को सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए फॉर द फ्यूचर सेफ्टी. हमारे फ्यूचर की सेफ्टी के लिए हमको पानी को कंजर्व करना चाहिए. ओके, इफ वी सेव वाटर, अगर हम पानी बचाते हैं, वी सेव लाइफ, हम लाइफ बचा रहे हैं, एंड सेव होल वर्ल्ड ऑन द अर्थ, और अर्थ पर ही जो पूरा संसार बना हुआ है उसको हम सेव कर रहे हैं इफ वी आर सेविंग वाटर. ओके, वाटर इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सो इट इज अ की कॉम्पोनेंट एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब होता है कि इसमें सारी चीजें घुल जाती है पानी में. सो इट इज़ अ की कॉम्पोनेंट एंश्योर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. इसलिए एक ये की कॉम्पोनेंट है जो कि हमको क्वालिटी लाइफ देता है, मतलब इसमें सारी चीज़ें घुल जाती हैं. इसलिए कोई भी चीज़ अगर बनानी है पानी में काफ़ी इजिली घुल जाती है, तो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर. ओके, वी शुड जॉइन अवर हैंड्स टुगेदर एंड टेक अ प्लेज ऑफ यूजिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द नीड ओनली विदाउट कंटेमिनेटिंग इट. वी शुड जॉइन अवर हैंड्स, हमको अपने हाथ जोड़कर साथ में एक प्लेज में शपथ लेनी चाहिए कि हमको पानी का यूज़ करना है कैसे, सिर्फ हमारी जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमको करना चाहिए विदाउट कंटेमिनेटिंग इट. उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए पानी को, कि उसमें गंदी चीज़ डाल रहे हैं, साबुन डाल रहे हैं, इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए पानी में, है ना. वी शुड सेव अवर वाटर फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन बाय इनहिबिटिंग द मिक्सिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर वेस्ट इनटू द वाटर. हमको हमारे पानी को सेव करना चाहिए फ्रॉम द वाटर पॉल्यूशन बाय इनहिबिटिंग द मिक्सिंग, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं उन वेस्ट को पानी में मिलने से रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए. और भी जो दूसरे वेस्ट पानी में जाते हैं, कचरा जाता है पानी में, उसको हमको पानी में जाने से रोकना चाहिए. ओके, देयर शुड बी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विच मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन. एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि वो जो गंदगी है वो पानी में जाके नहीं मिले. इसके लिए एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए विच मस्ट बी फॉलोड बाय एवरीवन, जिसको हर किसी के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए. ठीक है, तो इस ऐसे के थ्रू स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि हाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लाइव्स. वी ऑल शुड कंजर्व वाटर, हम सबको पानी को कंजर्व करना चाहिए, सेव करना चाहिए, एंड वी शुड यूज़ अकॉर्डिंग टू अवर नीड. सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी हमको यूज़ करना चाहिए. वी मस्ट नॉट कंटेमिनेट इट एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट द वाटर. ओके, सो ये आज ये टू एसेज हमने न्यूज़पेपर एंड सेव वाटर, ये टू एसेज पढ़े. आप लोगों को इन एसेज को अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इन दोनों में से कोई भी एक ऐसे आपको 10 लाइन्स में आपको लिखना रहेगा एग्जाम में. और इफ यू वांट टू राइट मोर यू कैन राइट, आप अगर ज़्यादा लिख सकते हैं तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये ऐसे इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, और जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाए. जैसा जिस तरह से इसमें बुक में आपके लिए लिखा हुआ है ना, उसी तरह से आपको कोई भी एक ऐसे प्रिपेयर करना है. ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करिए और अच्छे से एग्जाम में उसको लिखिएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.